विचारों पर आज जिला विद्यालय निरीक्षक भवन उन्नाव में आयोजित विशाल धरना प्रदर्शन यूपी एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा पूरे प्रदेश में कार्य न करने का फैसला किया गया। उन्नाव जिला अध्यक्ष शिवराम प्रजापति ने संगठन को संबोधित किया और सरकार की नीतियों का विरोध किया। कर्मचारियों के 5 वर्ष पूरा होने पर 100% ट्रांसफर दूसरे जिले में होने के खिलाफ बोल रहे थे। संगठन ने सरकार की नीतियों में बदलाव न होने पर अल्टीमेटम देते हुए 5 जुलाई को देश व्यापी आंदोलन करने का फैसला किया। उन्नाव से हमारे संवाददाता मोहम्मद रईस की रिपोर्ट। कर्मचारियों का आज आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। मैं मोहम्मद रईस और उन्नाव के जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम में तमाम जो लोग उपस्थित हैं और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार की कुछ नीतियों के खिलाफ। उनका साफ तौर से मानना है कि जो ट्रांसफ़र होने वाले हैं उनके खिलाफ उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है और एक प्रदेश स्तर पर ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, आइए जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग हैं, खास इंडिया की टीम पहुँची है और हमसे जानने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन करते हुए तमाम लोग मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनकी मांगे क्या है और वो किस तरह से सरकार से क्या अपेक्षा कर रहे हैं और उनको किस तरह से वो निवेदन कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं और ये यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जो नाम उपस्थित है। बट ये जो समस्या है ये पूरे प्रदेश स्तर की है और ये समस्याएँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो सरकार के खिलाफ क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी क्या मांगे हैं और वो लोग सरकार से क्या अपेक्षा कर रहे हैं। इसके जानने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कौशल कौशल जनपदीय संरक्षक। सर, ये धरना प्रदर्शन किस सिलसिले में हो रहा है? धरना प्रदर्शन ये हो रहा है कि शासन द्वारा जो स्थानांतरण नीति लागू की गई है उसके तहत शिक्षा विभाग में एक नई स्थानांतरण नीति हो गई जिस पर उन्होंने कहा है कि जनपद स्तर के कार्यालयों में जिनको 5 साल पूरी सेवा बजे 5 साल हो गया है उनका स्थानांतरण यथासंभव जनपद में रिक्त स्थित पे या मंडल के बाहर कर दिया जाए। प्रांतीय नेतृत्व में हमारे अधिकारियों से वार्ता की, शासन से वार्ता की, लेकिन वार्ता सफल न होने की स्थिति में उन्होंने आश्वासन बाध्य होकर के 26 तारीख को जनपद स्तर पर कुशनगर जनपद कसिया के सपहार रोड स्थित पूर्व चेयरमैन के आवास परिसर में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मान समारोह कार्यक्रम में पहुंचे कुशनगर के सांसद विजय दुबे ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कुशनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर 19 जून नागरिक उड्डयन मंत्री भारत सरकार से मिला था। एयरपोर्ट के 80% कार्यों से उन्हें अवगत कराया। इसके बाद विधायक पवन केडिया के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर एयरपोर्ट से उड़ान कराए जाने को लेकर विरोधी दलों द्वारा किए जाने वाले आंदोलन एवं इस एयरपोर्ट को लेकर किए जाने वाले अफवाहों से भी अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने नेपाल के बॉर्डर रामकोला पटरौना आदि कई स्थानों से रेल स्टेशनों को कंप्यूटरीकृत करने की भी मांग की। कुशनगर से हमारे संवाददाता मोहन वर्मा की रिपोर्ट। कहीं एक मौका भाजपा ने दिया तो क्या आपका क्या कहना है कि उनका आरोप जो भी है वो सही है या इस पर त्वरित कार्रवाई होगी? उनका कहना है कि ये उठा के गोरखपुर उनका आरोप सब बेबुनियाद है था ये राजेश जी चैनल चलता तनिक नहीं इसलिए बेबुनियाद निराधार आरोप लगा कर कोई कितना दिन जनता को गुमराह कर भारत सरकार के माननीय उद्यान मंत्री जी से मैं मिला और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से अभी मेरा मुलाकात 27 को उद्यान सचिव द्वारा जो रिपोर्ट इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का कितने कार हो चुके जो एक्साइज ड्यूटी प्रदेश सरकार को छूट करना था वो भी हो चुका, जो स्थानांतरण प्रदेश सरकार को एयरपोर्ट अथॉरिटी को करना था वो भी पूर्ण हो गया, डोमेस्टिक टर्मिनल लगभग बन के तैयार है वो कब तक पूर्ण होगा, कब से उड़ाने डोमेस्टिक के शुरू होने की पूर्ण लोगों की तैयारी है और इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो टर्मिनल बनाने की अब जो शुरुआत होगी भारत सरकार द्वारा उसकी मांग प्रदेश सरकार ने भारत सरकार उड्डयन मंत्रालय में किया है
सारा विवरण इसीलिए मैंने लिखित लिया है जल सचिव घर ग्राम पाल से, और उसकी प्रतिलिपि आप लोग को भी एक दे दे रहे हैं हम लोग कि आप लोग संतुष्ट हो जाइए। अब बाकी हमें विपक्षी लोगों को संतुष्ट नहीं करना है, हमें अपने कुशीनगर लोकसभा की जनता को आश्वस्त करना है कि किसी भी बहकावे या गुमराह करने की ऐसे बातों में ना आवे। बहुत जल्द इस पर डोमेस्टिक उड़ाने शुरू होंगे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसके पूर्ण होने पर ये कुशीनगर जनपद की पहचान पूरे दुनिया में होने वाली है, इसकी भी भव्यता लेकर हम लोग उद्घाटन कराएंगे। हाँ, मैं इस बात के लिए लोगों को आभार करता हूँ कि जो कार्य 10 दिन बाद होना था ये लोगों ने आरोप लगाकर हम लोगों को इतना खड़ा कर दिया है कि मैं मात्र 10 दिन के अंदर 2 बार भारत सरकार के उद्यान मंत्री से मिल चुका और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी महाराज से मिल लिया, लिखित तक ले लिया उद्यान सचिव से प्रदेश सरकार के, ताकि यहाँ की जनता और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के लोग सभी लोग समझ। सर गन्ना किसानों का 309 करोड़ 13 लाख रुपए बकाया है, इस पे आप क्या कहेंगे? बकाया नहीं रहेगा, भुगतान अभी तक समय पर चलते रहे, भुगतान के लिए दिक्कत नहीं आएगा, ये तो हम लोग पूर्ण आश्वस्त हैं। हाँ, जो दिक्कत है बढ़ता हुआ पैदावार और घटती हुए चीनी मिलों की संख्या, पूर्व की सरकारों में जो औने पौने में मिलों को बेच दिए गए, उससे जरूर संकट है। और हमारी सरकार का जो प्रयास है किसानों के पैदावार दूना हो, ये पैदावार ही आज किसानों के लिए संकट है, इसके लिए हम लोग पूर्ण मेरे आज से नहीं मैं बताऊं सदन के पहले दिन से मैं कपड़ा मंत्री भारत सरकार के माननीय स्मृति ईरानी जी से मिल के बात किया कि पिछले कार्यकालों में नहीं आप खुलवा सकी, अब की क्या हमारे कार्यकाल में भारी जनता ने भारी समर्थन देकर भारी अपेक्षा मुझसे रखा है, तो कम से कम एक चीनी मिल हो जाए कि वहाँ की ये बढ़ता हुआ संकट किसानों का दूर। उन्होंने तत्काल कहा कि आपके सीएम महोदय से मुझे सहयोग लेना है, बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी, आप इसके बाद हमसे लिखित एक दे दीजिएगा और हम बताएंगे कि इसमें क्या है। मेरा प्रयास रहेगा, मैंने तो कहा ना कि एक चीनी मिल चाहे बंद चीनी मिल चालू हो चाहे नया शुरू हो सके, क्योंकि ये खुद की सरकारों का दिया संकट आज गन्ना किसानों के अनुसार बोल रहा है, बढ़ता पैदावार घटती चीनी ये संकट, बाकी भुगतान में कहीं दिक्कत नहीं आएगा, पूर्ण आश्वस्त हैं हम लोग। और जितनी आप बोल बता रहे हैं बकाया, उस पर मैं जिला गन्ना अधिकारी से बात करूंगा और जरूरत पड़ेगा तो आगे गन्ना माननीय गन्ना मंत्री। अभी जल्दी ही मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश दिया है कि जितने भी जिले के अधिकारी हैं वो 9 से 12 तक अपने कार्यालय में बैठे। आज के प्रमुख समाचार में भी है कि बहुत सारे ऑफिसों में ताला लगे हुए हैं, बहुत जगहों पर अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचे हैं जो जिम्मेदार लोग हैं। कल की एक घटना में बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एक हमारे बंधु खबर करने ब्लॉक पे जाते हैं तो उनके साथ वहां का बाबू मिसबिहेव करता है, उनका मोबाइल छीन लेता है, मोबाइल भी तोड़ दिया है, हमने FIR करी है। तो क्या मुख्यमंत्री के आदेश को हम दिखाएं या ना दिखाएं, आप जनप्रतिनिधि हैं, दोनों लोग बैठे हुए हैं, तो इस पे आप मीडिया के साथ क्या करते हैं और उस संबंधित कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्रवाई है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आपसे नहीं अगर याद कीजिए तो जब से सरकार में आए कार्यालयों में स्वच्छता रहे, कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारियों का उपस्थिति समयबद्ध हो और 100% उपस्थिति हो उनका, इस पर वो शुरू से ध्यान दिए। मैं ये कहना चाहता हूँ केवल कुशीनगर के जिला अधिकारी की बात ना कीजिए, हर विभाग के अधिकारी की बात, केवल जिला के अधिकारियों की क्यों बात करें,
केवल जिला एक अधिकारी की बात क्यों कर रहे हैं? जिला के हर विभाग के तो केवल जिला न कहिए, विकास खंडों पर भी अधिकारी तहसील में भी, तहसील में भी सबकी अनिवार्यता है कि समय से कार्यालय पर आ जाए। और मैं बताऊं कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इन लोगों को रास्ते पर आना पड़ेगा। इसलिए समय लगेगा इन लोगों को रास्ते बुलाने में, ये आसमान से आए अधिकारी कर्मचारी नहीं है, ये पिछले सरकारों के कार्यकाल में जो कार्य कर चुके हैं उनके जो रवैया रहा है, अब उस रवैये को बदलने में थोड़ा समय लग रहा है, यही कारण है। बाकी वास्तव में जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहे हैं, इन लोगों को कार्यालय पर अपने समय से 9 बजे समय दिए हैं, तो 9 बजे से आना पड़ेगा। जो नहीं अधिकारी आएगा एक बार चेतावनी देंगे हम लोग, और नहीं मानेगा तो उस पर फिर माननीय सुरेश खन्ना जी आए थे, माननीय सुरेश खन्ना जी आए थे कुशीनगर नगर पालिका की बात, उसमें भ्रष्टाचार आकंठ है। कोई भी एक काम आप आज ही ईओ को बुला के एक काम आप खुद सर्वे कर लीजिए, यही बात हमने सुरेश खन्ना जी से भी कही। लेकिन अधिकारी और मंत्री आते हैं और कहीं ना कहीं लीपापोती ही होती है। आज राज्य सूचना आयुक्त भी आने वाले हैं, ये प्रश्न मैं उनसे भी करूंगा। मैं नहीं देख रहा, लोकायुक्त आई थी वो भी वही करके आश्वासन देके चली गई। देखिए मीडिया को क्या करना चाहिए, माननीय शहरी विकास मंत्री आए थे सुरेश खन्ना जी, मैं नहीं था, मुझे याद है, अकारण उनका यहाँ पर दौड़ा बना था, जाना था उनको देवरिया, लेकिन कुशीनगर भी होके आए थे। वो रविवार का दिन था शाम के, जिस समय आए थे उस समय मैं ट्रेन में सदन में जाने के लिए वैशाली को बैठ गया, तो माननीय विधायक जी हमारे बताएंगे। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते जिला योजना की मीटिंग हुआ था, हमारे प्रभारी मंत्री जी आए थी, अगर आप लोग को सूचना मिला होगा, ये भी जानकारी मिला होगा कि लीपापोति की नहीं, स्पष्ट चेतावनी कार्रवाई की उन्होंने दिया था सारे अधिकारियों कि कहीं से लापरवाही विकास कार्य में नहीं होगा, जो अगर लापरवाही करेगा उसके ऊपर दंड निर्धारित सुनिश्चित। तो ऐसी बात नहीं, बाकी मैं था नहीं, मैंने दिखाया कि माननीय मंत्री जी से जो सवाल आप लोगों ने पूछा जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई लिखित रूप से मुझे शिकायत करेगा तो मैं निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करूंगा, और हुआ ये। और जो नहीं जो जो भी मना पत्रकार से नहीं कहा कि लिखित रूप से कोई सूचना आती है इस प्रकार की तो मैं कार्रवाई करूंगा। और मुझे याद है कि कहीं ना कहीं से उनके पास लिखित रूप से कोई सूचना कही है तो निश्चित उस पर कार्रवाई। विधायक जी मैं ये नहीं, पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम कवर करने गया था, हम लोगों ने एक प्रश्न किया और मीडिया के प्रश्न से संज्ञान स्वतः संज्ञान लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करी, तो कहीं ना कहीं जिले में मीडिया भी उपस्थित है। आपको हम आईने का काम करते हैं, हम आते हैं कि यहाँ कमियां हैं, ये गलतियां हैं। सुनिए, मीडिया पहले भी पूजनीय थी, आज भी पूजनीय, आगे भी पूजनीय रहेगी, और मीडिया का सम्मान हम सारे जितने भी हमारे राजनीतिक दल के लोग हैं वो सभी करते हैं, और बिना मीडिया के राजनीति नहीं हो सकती और बिना राजनीति के मीडिया नहीं हो सकती, दोनों का संबंध बहुत मधुर होता है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मीडिया की कहीं उपेक्षा किसी राजनीतिक दल के या किसी कार्यकर्ता या किसी नेता द्वारा हो रहा है। ये आरोप आपका निराधार है, हम उसको खारिज करते हैं और ये आग्रह करते हैं कि इस तरह की अगर आपके मन में कोई भावना है तो उसे वापस लेके और नए सिरे से विचार करना चाहिए राजनीतिक लोगों को। भावना नहीं है, अभी हमारे भाई ने कहा कि जैसा सुरेश खन्ना जी ने कह दिया कि मीडिया ही लिखित, मीडिया को नहीं कहा उन्होंने, नहीं मीडिया से नहीं मांगा, उन्होंने कहा लिख के लोग देंगे तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इस पर कोई, क्योंकि मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ, एक आदमी ने आया मुझसे दरोगा की शिकायत किया, मैं थाने में पहुंच गया, थाने में पहुंचा तो उसने अपना व्यवहार बदल दिया। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करे तो पहले जो भी शिकायत करता है वो लिखित रूप से हमें अवगत कराए ताकि कल को उसके पलटने की कोई संभावना ना। इसलिए मेरा विश्वास है कि आप लोग भी अगर शिकायत कर जनहित का तो कोई काम कर सकता है, मीडिया कोई उसके लिए आपके मीडिया के पीछे आप एक समाज के नागरिक भी हैं, आपकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उससे मुकरने का कोई भी लिख के दे सकता है, आप लिख के देंगे। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने जिस दिन कहा उसके उसके कुछ ही दिनों बाद या उसी दिन कुछ लोगों ने लिख के शिकायत भी की है, तो निश्चित तौर पर वो जांच का विषय होगा, जांच में दो लोग दोषी होंगे वो दंडित किए जाएंगे। बहुत धन्यवाद सर। प्रयागराज जनपद के गंगापाट क्षेत्र में आपराधिक घटना से सनसनी फैलाने वाला 25,000 का इनामी अभियुक्त चंद्रलाल भारती और भगत अफगन पुत्र सेंट्रल निवासी घोरपुर थाना सरायनाथ जनपद प्रयागराज में पकड़ा गया। इसके पास से एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता रामू सिंह की रिपोर्ट।
लिखा हुआ था लेकिन फूल फूलर पकड़ा गया है। 25,000 का इनामिया था ये। दो इनामिया भी गिरफ्तार हुए हैं, कहाँ कहाँ से? ये 25,000 के इनामिया है, एक सोराव से और एक शिवकुटी से, एक फुलपुर से एक शिवकुटी से। फुलपुर वाला अपराधी थोड़ा सा ज़्यादा मतलब खतरनाक था क्योंकि ये चोरी का अपराधी है, लेकिन ये 8 महीने पहले लगभग जेल से भाग गया था और उसके लिए थाना नैनी मुकदमा लिखा गया था, उसी में इसको बातचीत करके 25,000 का मुकदमा पुरस्कार घोषित किया गया था। और इसी धरपकड़ के अभियान के दौरान ये आज थाना सराय नए से पकड़ा गया है। फुलपुर से समाचार जानेंगे आगे के समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। कृष्ण सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रवेश प्रारंभ 2019-20 पॉलिटेक्निक डी फार्मा जीएनएम एएनएम बीए एमएस बीएड बीटीसी में सीधे प्रवेश प्रारंभ। कन्हैया अलंकार मंदिर कुंदन पोल की जड़ाऊ वैवाहिक व हीरे के गहनों का अनुपम संग्रह। जनजात कटे होठ एवं तालू का निःशुल्क इलाज। प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी का उच्चकृत केंद्र जीएस मेमोरियल प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल महमूरगंज वाराणसी। श्री भागवत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एसएमएस कॉलेज के सामने बाईपास रोड खुशीपुर वाराणसी रजिस्ट्रेशन ओपन। सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एचकेएस मेमोरियल प्राइवेट आईटीआई। श्री हरे कृष्ण ज्वेलर्स गोल्ड ज्वेलरीज। काशी पर चढ़ेगा सच्चे स्वाद का रंग। पान पारस कायम पान मसाला स्वाद में सच्चाई। कृष्णा हुंडई महाबचत महोत्सव दिनांक 30 जून 2019 तक। स्थान कृष्णा हुंडई शोरूम वाराणसी। खबर कुशीनगर जिला थाना पटरौना क्षेत्र के अंतर्गत पोस्ट सीघा पट्टी से है, जहां मारपीट का मामला सामने आया है। विजयपत प्रसाद पुत्र ज्ञानी प्रसाद ग्राम सभा त्रिलोकपुर खुर्द के स्थायी निवासी हैं। घर के बगल के भनई पुत्र इन्नर से पुरानी रंजिश के कारण और रास्ते का बहाना ढूंढकर गुंडई व दबंगई के बल पर गोल बनाकर दरवाजे पर गाली गलौज करने लगे। मना करने पर घर में घुसकर सभी ने मिलकर लात मुक्के लाठी डंडा और आठ से बहुत बुरी तरह से मारा, जिससे शांति देवी का सर फट गया और हाथ फ्रैक्चर हो गया। कुमारी निर्मला के साथ छेड़खानी भी की गई। सूचना मिलने पर 100 नंबर तथा ग्राम प्रधान ने मामले को शांत कराया। अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बावजूद पीड़ित दर दर भटक रहा है। कुशीनगर से हमारे संवाददाता मणिंद्र कुमार की रिपोर्ट। जी सर, अपना नाम बताएं और पर्चे बताएं सर अपना। विजयपत प्रसाद जी ग्राम त्रिलोकपुर खुर्द जी पोस्ट सिंगापटी पडरौना जी का मैं निवासी हूँ जी। अच्छा ये बताएं जो आपके वहाँ किस चीज़ की समस्या और इतने लोग जो जुटे हुए हैं, क्या समस्या उसके बारे में बताएं आप। समस्या महाराज जी वो लोग बहुत सुंदर हैं। कौन है? भनई जी, पिंटू जी, लालचौन जी। कहाँ के रहने वाले हैं? राजदेव रामधनी जी, वो भी त्रिलोकपुर खुर्द के ही। अच्छा त्रिलोकपुर खुर्द है आपका। पोस्ट कहाँ पड़ता है? सिंगापट्टी। आपका थाना कौन सा पड़ता है? पडरौना। अच्छा पडरौना कोतवाली है। हाँ। जी आपका जिला? कुशीनगर जी। तो ये बताएं मैटर किस चीज़ से है, कैसे क्या हुआ, इसके बारे में विस्तार से बताएं आप मुझे। मैटर महाराज पुरानी वो गाली देते सब कोई दुनिया जान रहा है जी, गाँव के हमारे जी, कि बहुत गाली गुप्ता देते रहते हैं हर जी। अब हमने जो है प्रधान के छड़ और गिट्टी की दुकान पर था
वहाँ वो अपने भाई लोगों को सहज करके लाठी लेकर के पड़ गए। वहाँ से मैं वो बोला मुनीब कि भगो यहाँ से, हमने वहाँ से भगा, भगते भगते अपने घर में आया लुकाया। वो लोग हमारा दरवाजा तोड़ करके घर में घुस गया, घुस करके हमारे पत्नी को राड से मारे, सब कपार पर कपार फट गया। हमारे बेटी को पकड़ करके पटक दिए, पटक करके उसका जो है कपड़ा फाड़ दिए। कौन कौन कपड़ा फाड़ा था? पेंटू और भनई जी। अच्छा, क्या चीज? लाठी से लगे मारने, बाकी लोग राड से जी। हम लोग अब छटपटी आने लगे जी। किन को मारे हैं? मारे हैं बीजापत को जी, और उनके पत्नी को। उनकी पत्नी क्या नाम है? शांति देवी जी। उनको कहाँ कहाँ चोट लगा है? कैसे कैसे मारे हैं लोग? किससे मारे हैं लोग? सर पर और हाथ पर, उंगली पर ये टूट गया है जी। उंगली पे भी टूट गया है और सर पे भी काफी गहरा चोट आया है जी। तो आपने सीटी स्कैन उसकैन कराया है? हाँ, सीटी स्कैन भी कराया है। मलैया आपने कराया है? मलैया भी कराया है। उसके बाद से और किन को मारे हैं? और जो है हमारे लड़के अशोक को घींच कर दरवाजे पर ले जा करके बहुत गंभीरता से मारे जी। जी, उसके बाद से जी अशोक जी बताएं आपको कैसे क्या हुआ, कैसे मारे सब? कैसे क्या हुआ, ये हुआ कि हम घर पे थे, हमारे पिताजी और दुकान पर प्रधान जी के वहाँ पे जी। आपका नाम? अशोक प्रसाद जी। लड़के को भी मारे हैं? हाँ, हमारे लड़के को बहुत बुरा तरीके से घींच कर ले जा करके बाहर जो है, एक जो है बूढ़े आदमी जो है उनका हाथ जोड़े, एक बूढ़ी 80 वर्ष के पुराने जो है हाथ जोड़ी कि अरे बच्चा मर जाएगा। अच्छा, बीच बचाव भी काफी आपके जो पड़ोस वाले हैं वो भी सब लोग किए हैं? हाँ जी। जो मारे हैं वो कहाँ कराने, कितना दूर है आपके घर से दूरी? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है जी, चार भाइयों को जी। क्या उनसे पहले काफी दुश्मनी है क्या कभी? हाँ, पहले से दुश्मनी रास्ते की वजह से जी। जबकि मैं रास्ता छोड़ दिया हूँ, रास्ते में सब कुछ जानता है, प्रधान सब फैसला कर दिए ईटा हार जी, लेकिन फिर भी हम लोग को ये बताएं जो मारे पीटे हैं तो क्या आपने पुलिस से अवगत कराया, सूचना दिए हैं आप? जी, हम तुरंत गए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाकर मलहिया करा करके चारों मलहिया लेकर के रिपोर्ट दिए थाने में। हाँ, तो क्या हुआ, सुनवाई हुआ आपका? हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ थाने में। दरोगा साहब क्या किए कि हमारा एप्लीकेशन जो है दूर रख दिए और अपने तरफ से अपना एप्लीकेशन लगा करके, और जो है आज तक कोई सुनवाई नहीं की जी। ये बताएं कि अब तक आपने एसपी या कहीं कहीं आपने कहाँ कहाँ तारीफ दिया है? एसपी में भी मैं, एसपी साहब को भी मैं ये दिया हूँ। आज तक आपका कोई सुनवाई नहीं हुआ? कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, आपका कोई प्रक्रिया नहीं अभी शुरू है? अभी तक नहीं हुआ जी। ठीक, बताएं आपने जो अभी बयान दिया है बात का ही है, आप किसी के दबाव मर्जी से कहें अपने मर्जी से कहें? साहब कोई दबाव मर्जी किसी का नहीं है, मैं अपने मर्जी से जरा हुआ हूँ, मैं दुखी आदमी हूँ, दुखियारी होकर के मैं ये दे रहा हूँ। वाराणसी के चोलापुर थाने में थाने का निरीक्षण करते हैं मार्चन साहब ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोई कमियां नहीं मिली, साफ सफाई के बारे में चोलापुर को प्रथम स्थान का दर्जा दिया गया। थाना प्रभारी हरि नारायण पटेल पर प्रसन्न होकर हर कार्य समय से करने का निर्देश दिए। वाराणसी से हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। हो गया था जमा होने के साथ नहीं नहीं रही है। आप लोग तो हमारा अभी थोड़ा सा कर लेने दीजिए, अभी कर लेते हैं, देख तो लेने दो, हो जाएगा।
संपूर्ण थाना परिसर का भ्रमण किया गया, अस्त्र शस्त्र की निरीक्षण किया गया, रजिस्टर भी देखे जा रहे हैं। साफ सफाई में थाना बहुत ही उच्च क्वालिटी का दिखाई पड़ा, हर स्तर पर इनके साफ सफाई दिखाई पड़ी, बाथरूम से लेकर मेस तक। और शस्त्रों की सफाई में थोड़ी सी मुझको कमी दिखी, जो वहीं पे इन लोगों को निर्देशित किया गया है कि शस्त्रों को और ढंग से साफ रखें। कुछ बोर्ड हैं जो मानवाधिकार से संबंधित है, उसके बारे में कहा गया है कि इसको और ठीक कराएं। बाकी साफ सफाई और थाने के निरीक्षण से मैं संतुष्ट हूँ। सर, बरसात का मौसम आ गया है और जो गाड़ियाँ यहाँ पर सड़ रही हैं, जो कि रोग उत्पन्न होगा इससे, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके संबंध में अभी मैंने एसओ को आदेश दिया है कि जो मेरे प्रांगण में बाहर सामने दिख रही हैं, ये गाड़ियाँ हम लोग पीछे ले जाएंगे और इसको प्रांगण को और सुसज्जित करेंगे पेड़ पौधे लगा के इस बरसात के सीजन में, जिससे कि आगे हरियाली थाने की बनी जाएगी। कुछ पार्क टाइप डेवलप करो इसको खाली करके, ठीक है? ठीक है ना, हो तो बाहर। ये सभी के समाचार आए, कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ।